कॉन्क्रीट इज इटसेल्फ ए वाटरप्रूफिंग मटेरियल, लेकिन हम उसके ऊपर भी वाटरप्रूफिंग करते हैं, क्यों? इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सेल्फ वाटरप्रूफिंग कॉन्क्रीट, एक ऐसा कॉन्क्रीट जो पानी के संपर्क में आते ही खुद ब खुद एक वाटरप्रूफिंग बैरियर बना लेता है। दोस्तों, कॉन्क्रीट में वॉइड्स रह जाने के कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी अंदर घुस जाता है और भेज या फिर डैम्पनेस क्रिएट करता है, जिसके कारण पपड़ी बनती है, प्लास्टर निकल जाता है और कई बार स्टील काट खा जाने के कारण स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो इसका सलूशन ये है कि कॉन्क्रीट के वॉइड्स को हमें बंद करना होगा, जिससे पानी को अंदर घुसने का रास्ता ना मिल सके। ये पॉसिबल है क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन से। इसके दो प्रकार है, पहला एडिटिव बेस्ड, मतलब फ्रेश कॉन्क्रीट में इसको ऐड करके, और दूसरा कोट बेस्ड, हार्डन्ड कॉन्क्रीट के ऊपर इसका कोट लगा के। चलिए अब जानते हैं कि क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन किस तरीके से काम करता है। जब पानी कॉन्क्रीट के वॉइड्स में पहुंचता है, तब क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन में मौजूद केमिकल्स पानी और फ्री लाइम के साथ रिएक्ट करके CSH जेल बेस्ड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये सफ़ेद क्रिस्टल्स इनसॉल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, और वॉइड्स को ये पूरी तरह से कम्प्लीटली परमानेंटली सील कर देते हैं, ताकि पानी को अंदर जाने का रास्ता ना मिल सके। इस सॉल्यूशन से हैवी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में भी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब बाहर का पानी अंदर नहीं आ सकता और अंदर का पानी बाहर नहीं जा सकता। क्रिस्टल फॉर्मेशन प्रोसेस एक कंटिन्यूस साइकिल में चलता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस के कारण जब कभी भी पानी अलग अलग वॉइड्स में पहुंचेगा, तब उस वॉइड्स में क्रिस्टल फॉर्म होते रहेंगे। तो इस प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन कॉन्क्रीट को एक डायनामिक वाटरप्रूफिंग बैरियर देता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन से वाटर वेपर परमिएबिलिटी 16-20% तक रिड्यूस होती है, जो कि एक मामूली बात है। ग्राफ से पता चलता है कि सॉल्यूशन को ऐड करने से कॉन्क्रीट की ब्रीदेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। अब जानते हैं कि कहाँ पे एडिटिव बेस्ड और कहाँ पे कोट बेस्ड सॉल्यूशन लगाना चाहिए। अगर आप एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसमें हैवी वाटर प्रेशर है, वाटरप्रूफिंग कोट लगाने के लिए उधर पहुंचना मुश्किल है और स्ट्रक्चर एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सपोज्ड है, तो आपको एडिटिव बेस्ड सॉल्यूशन चूज करना चाहिए। ये थोड़ा महंगा है लेकिन काफ़ी ड्यूरेबल है। और अगर आप पुराने स्ट्रक्चर में वाटरप्रूफिंग करवा रहे हैं तो आप कोट लगा सकते हैं। अब मन में एक सवाल आता है कि सॉल्यूशन को ऐड करने से क्या कॉन्क्रीट की बाकी सारी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आएगा? आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाटर परमेबिलिटी के अलावा कॉन्क्रीट की बाकी सारी प्रॉपर्टीज में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। सॉल्यूशन कितने समय बाद अपना काम स्टार्ट करता है? तो जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं कि लगभग 12वें दिन में ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचता है। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि तीसरे दिन में 45 mm और 12वें दिन में सिर्फ 15 mm कॉन्क्रीट के अंदर पानी गया है। क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, डैम्स, सीवेज, ब्रिजेस और अन्य स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं। यह सॉल्यूशन हाईली ड्यूरेबल है, माइक्रो क्रैक्स को फिल करता है, रेजिस्टेंट टू वाटर पेनिट्रेशन, वियर एंड टीयर, फ्रीज एंड थ्रो साइकिल भी है। चलिए अब सीखते हैं इसका एप्लीकेशन। कोट बेस्ड सॉल्यूशन के लिए पिन होल्स और कोर कटिंग को अच्छे से ग्राउटिंग से फिल कर लें, सतह को ग्राइंडिंग व्हील से अच्छे से साफ करें, हैवी वाटर प्रेशर से अच्छे से धो लें। बाद में सॉल्यूशन के दो कोट लगा दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एडिटिव बेस्ड सॉल्यूशन को यूज करने के लिए हमें सॉल्यूशन को फ्रेश कॉन्क्रीट में मिक्स करना है। अब मान लीजिए कि एक ट्रांजिट मिक्सचर में 4 m³ कॉन्क्रीट है और इसमें सीमेंट कॉन्टेंट 350 kg/m³ है, मतलब 4 m³ में हो गया 1400 kg। हमको सॉल्यूशन 1% ऑफ सीमेंट कंटेंट लेना है, मतलब 14 kg। इस 14 kg सॉल्यूशन को आप 50% ऑफ वाटर यानी 7 kg ऑफ वाटर के साथ मिक्स करिए और एक लंप फ्री पेस्ट बना लीजिए, और इस पेस्ट को आप
कॉन्क्रीट में मिक्स करिए और बाकी बैलेंस 7 केजी ऑफ वाटर को भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन के लिए हमारा संपर्क ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हम हर मंगलवार को प्रोटेक्ट ट्यूसडेज पोस्ट करते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। धन्यवाद।